हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर लेटर किस तरह से टाइप करना है या एप्लीकेशन किस तरह से बनानी है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट्स के अंदर नॉर्मल चलाना है, नॉर्मल सेटिंग रखनी है, क्योंकि नैरो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा और अजीब सा लगेगा। उसके बाद है ओरिएंटेशन, लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए, क्योंकि हम लेटर लिख रहे हैं और लेटर जो है पोर्ट्रेट पेज पे होता है, एप्लीकेशन की पोर्ट्रेट पे होती है, तो हम पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे। थर्ड है लेंथ, पेज की साइज क्या है। तो ये जो होते हैं ऊपर के लेटर, स्मॉल लेटर्स, लेटर स्मॉल, टैब वर्ड और लेजर, लीगल, ये सारे लॉ एंड लीगल डॉक्यूमेंटेशंस के लिए होते हैं। तो हमें स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए, हमें एग्जीक्यूटिव लेटर भी नहीं चाहिए। ये थ्री काफ़ी बड़ा हो जाता है, जो नॉर्मल प्रिंटर का पेज होता है स्टैंडर्ड, वो होता है F4, जो आपके प्रिंटर में लगा हुआ है, क्योंकि आपको ये लेटर या एप्लीकेशन प्रिंट भी करनी होगी। तो आज की क्लास में हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे कि टाइपिंग के बाद से लेटर को प्रिंट किस तरह करना है। बाकी कॉलम हमें 1 नहीं चाहिए, 2 कर देंगे तो 2 हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी, 2 कॉलम बन जाएंगे, तो फिलहाल हमें 1 चाहिए। बाकी ब्रेक हमें नहीं चाहिए, लाइन नंबर्स एक ही है, नल है, वो हम खुद ही बना लेंगे। ये हमें हाइपरलिंक नहीं लगानी है, तो हम इसको भी एक्सटेंशन को यूज़ नहीं करेंगे। इसमें वाटरमार्क की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम वाटरमार्क भी यूज़ नहीं करेंगे। वाटरमार्क से इस तरह का वाटरमार्क आ जाएगा, क्योंकि ये कंपनी के अंदर से ही सेंड करना है कंपनी को, या डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट है, तो वाटरमार्क इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। फॉन्ट हम लोग कैलिबरी चलाते हैं, लेकिन ऑफिस में टाइम्स न्यू रोमन यूज़ होता है, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वरना इसको अगर नैरो सेलेक्ट कर लेते तो यहाँ से स्टार्ट होता, बहुत ऊपर से बहुत अजीब से लगता। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 2 लगाना है तो आप लगा सकते हैं, आजकल 2 यूज़ नहीं होता। मैनेजर जिसको दे रहे हैं उसकी पोस्ट, या ऑफिसर, तो उनका नाम लिख सकते हैं आप इधर, या पोस्ट लिख सकते हैं, जो भी 18 है, 19 है, जो भी। उसके बाद आपको डिपार्टमेंट या कंपनी लिखनी है, और कंपनी नेम। इसके बाद इसकी लाइनिंग देखें आप, काफ़ी अजीब सी हो गई है, बहुत ज़्यादा स्पेस आ रही है, तो उसको आप राइट क्लिक करके पैराग्राफ में जाएंगे, पैराग्राफ में जाके एटलीस्ट या ये सेलेक्ट कर लेना, डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ, तो ये थोड़ा सा सही लगने लगेगा। साइज जो है हम 16 यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके नीचे आ जाएगा सब्जेक्ट, अच्छा इसकी सेटिंग अगर आपको अभी भी अजीब लग रही है तो इसको लिस्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट ये और करीब आ जाएगा, सही है। इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट में आपको क्या देना है, जिस बारे में एप्लीकेशन या लेटर, बैक टैब देनी है, यहाँ से सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। फॉर 14 डेज 2 वीक्स, स्कूल में यही लिखी थी तो अभी तक यही याद है थोड़ी सी, और आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी जो भी एप्लीकेशन या जो भी लीव है, या आपकी किसी भी बारे में भी है,
तो आप सब्जेक्ट अपनी पसंद से ऐड कर सकते हो। इसके बाद उसको अंडरलाइन कर देना सब्जेक्ट को कंट्रोल यू से, और फिर बोल्ड कर देना कंट्रोल बी, और ये यहाँ से भी हो जाएगा कंट्रोल के बगैर बी दबाने से, और यू से अंडरलाइन हो जाएगा। सब्जेक्ट हमेशा अंडरलाइन होता है और बोल्ड होता है। अब ओल्ड स्कूल स्टाइल जो है वो ये था, इसको वापस नॉर्मल कर लेना है बोल्ड से, और अंडरलाइन भी खत्म कर देनी है। सर आई हैव एक टू स्टेट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये पता नहीं बैग था या बैग था, बैग टू स्टेट आई एम हेयर टू स्टेट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 2 days and my doctor told me to rest for next 2 weeks. Weeks, 14 days. इसकी ज़्यादा मुझे नहीं पता नॉलेज, तो मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, आप जो भी चाहें अपना मैटर डाल सकते हैं। अलाउ मी टू लीव फॉर 14 days। ज़रूरी नहीं है सबका मैटर या कंटेंट जो है सेम हो, सबके ऑफिस का ज़्यादातर अलग फॉर्मेट होता है, लेकिन मोस्टली यही होता है 2 weeks। डेटेड जो भी डेट है और उसके बाद अप्रूवल फॉर दिस मैटर रिमेन बाय हर। ये एक्स्ट्रा लाइन्स हैं, आप जो भी ऐड कर सकते हैं, चाहे उसके बाद आप योर्स ओबीडिएंट सिग्नेचर सिग्नेचर, ये जो बीच का गैप है इसके अंदर आपको सिग्नेचर करनी है, तो इधर आपको थोड़ा स्पेस छोड़ना होगा। तो इस तरह का पेज हो जाएगा, और इसको आप देख सकते हैं कि प्रिंट होके कैसा लगेगा। तो यहाँ से आके आप प्रिंट प्रीव्यू चले जाएं, तो ये ऐसा लग रहा है सिग्नेचर की स्पेस ज़्यादा नहीं बच रही है, तो आप थोड़ी स्पेस और दे दो, और यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हो या जो भी आपका नाम है एक्स वाई जेड, और यहाँ पर आप साइन करोगे इस जगह पे। तो ये नॉर्मल सा एप्लीकेशन है सिक लीव के लिए, और इस तरह से आप रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इधर सब्जेक्ट में वो आ जाएगा जो आपका मैटर है, इधर जिसको आप भेज रहे हैं डिपार्टमेंट का नाम कंपनी का नाम, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा मैटर आपका। अच्छा, यहाँ पर आपको फ्रॉम डेट टू डेट, यहाँ पर आपको दो डेट चल रही हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म होगी आपकी छुट्टी। तो बस इतना ही है, पसंद आई तो लाइक करें, और कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
और किसी तो और तरह की आप एप्लीकेशन चाहते हैं या लेटर चाहते हैं तो वो भी वीडियो बना के मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।